हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज इस वीडियो में मैं एक गज़ल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये गज़ल जगजीत सिंह जी की है। इसको हम गज़ल भी कह सकते हैं और गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दुश्मन मूवी से है और इसको बहुत अच्छे से गाया है जगजीत सिंह जी ने, और बहुत ही अच्छी गज़ल भी है। गज़ल का नाम है चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ठीक है, तो मैं इसका नोटेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही स्लो में मैं इसका नोटेशन बताऊंगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें और समझ कर फिर बजाएं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सीधा आपके पास पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं। ये राग किरवानी में है। ठीक है, राग किरवानी में कोमल गा और कोमल धा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका नोट्स क्या होगा? चिट्ठी ना कोई, चिट्ठी ना, सनी नी ससा, चिट्ठी ना कोई संदेश, सनी नी ससा ससा रे गरे। मैं बहुत ही स्लो में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। सानी नी सा 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 रे गरे, जाने वो कौन सा देश, सानी नी सा 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 रे गरे, जहाँ तुम रे सा सानी, जहाँ तुम रे सा सानी चले गए, रे सा सा चले गए। और ये दो बार आएगा। ठीक है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले। ठीक है, और उसके बाद हो जहां तुम चले गए, गा 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 रे सा नी रे सा सा सा, गा 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 रे सा नी रे सा सा सा। ठीक है, और उसके बाद में चिट्ठी ना कोई संदेश, सा सा पा 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 धा पा पा मा, सा सा पा 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 धा पा पा मा, चिट्ठी ना कोई संदेश, सा सा पा 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 धा पा पा मा, जाने वो कौन सा दे, सा सा मा 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 पा मा पा गा, सा सा मा 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 पा मा मा गा, जाने वो कौन सा दे, सा मा 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 पा मा मा गा, जहाँ तुम गा गा मा पा, जहाँ तुम चले गा गा मा पा पा पा, जहाँ तुम चले गए,
ठीक है। और इसके बाद में ये इसका हो गया स्थाई। इसके बाद में एक म्यूजिक आता है सा प म प, सा प म प ठीक है। ये म्यूजिक बीच में, उसके बाद अंतरा। जाते जाते म सा सा म म म म तुमने प म म ग आवाज तो ग ग म प आवाज तो ग ग म प दीवाज तो आवाज तो सा। अब एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। और ये सिंपल है, ठीक है। इसमें कण का या दूसरे किसी रीड के कण का यूज करें वो जब आप अच्छा थोड़ा कर लेते हैं। अभी ये प्लेन म्यूजिक है ना, इसलिए अभी इसको आप प्लेन बजाएं, उसके बाद जब थोड़ा हाथ बैठ जाएगा उसके बाद कण भी यूज कर सकते हैं। आवाज तो दी होगी हर वक्त यही है फिर वही सरगम आ जाएगा सा नी नी सा 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 रे ग रे हर वक्त यही है हम सा नी नी सा 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 रे ग रे उस वक्त कहाँ थे हम सा नी नी सा 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 रे ग रे कहाँ तुम चले गए हो कहाँ तुम चले गए हो कहाँ तुम चले गए हो कहाँ तुम चले गए। ठीक है, ये एक स्थाई और एक अंतरा का आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगला अंतरा जो है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये पार्ट वन है, इसमें मैं नोटेशन बताया हूँ। अगले पार्ट में मैं इसका प्योरली म्यूजिक बजा के डालूंगा और उसमें कण खटका मिड सब चीज का प्रयोग करूंगा। तब आप उसको देखेंगे कि जब हम एक साथ धुन में किसी चीज को बजाते हैं तो वो किस प्रकार से उभर के आता है। ठीक है।
थैंक यू।